अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राजू भैया विक्ट्री विक्ट्री वाला जय हो विक्ट्री भारत माता की जय। लग जाए फोन तो बात करो ना राजेंद्र जी। 15 दिन तो बहुत शिकार करो एक बार दोनों फोटो अच्छे दिए आप। तो चलो पप्पू जी फ्री हो आप 2 मिनट। आपकी सीट पे भी आप आगे चल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी ने सतत अंतिम प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है और ये चीजें आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 5 बजे से तक लगभग पूर्ण स्थिति के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। जिस तरह चुनावी जो रुझान आ रहे हैं इसमें लगातार बढ़त बढ़ रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास है और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस समय आप कहां पर बैठे हैं और क्या देख रहे हैं और आपके साथ ही कौन कौन है? इस समय मतगणना स्थल पर मैं हूं। सामने जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहां पर हम टेलीविजन पर मध्य प्रदेश और 4 राज्यों के चुनाव के परिणामों को देख रहे हैं। मेरे साथ बागली विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय मुरली भवरा जी हैं और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जाएगी पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनेगी।
यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हाट पिपलिया से हमारे विधायक विधानसभा के प्रत्याशी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन को ये अधिकार है और उन पर ही ये जिम्मेदारी है कि वो मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। जिस तरह जो आ रहे रुझान उसमें 50-50% बीजेपी और कांग्रेस चल रही है, तो क्या लगता है आपको आगे जाके क्या? ये शुरुआती रुझान है, जब 5 बजे अंतिम परिणाम आएगा तब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको बनती हुई दिखेगी। बीजेपी जिस तरह से 5 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है और यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? कार्यकर्ता का उत्साह ही जीत में बदला है और मध्य प्रदेश की जनता का आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति और कार्यकर्ताओं का जो जोश था, हौसला था, ये जीत में तब्दील होता है। मैं देखने में आया कि जिस तरह से जो कांग्रेस की जो सीट थी और अवैध किलो को भी आपने भेज दिया है और कहीं ना कहीं सीट पे आप बीजेपी भी बढ़त बनाई हुई है। छल झूठ और फरेब की राजनीति बहुत लंबे समय नहीं चलती है। कांग्रेस ने हमेशा छल और फरेब का साथ लिया है। जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने अब उनकी नीयत और नीति दोनों साफ है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज हम विधानसभा हो, देवास जिला हो या मध्य प्रदेश हो, सभी जगह जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, इस बात का प्रमाण है। जिस तरह से अभी अभी लीड बड़ी हुई आपकी, कितने लीड मान रहे हैं आप? अभी मात्र 9 राउंड हुए हैं और 12,000 से अधिक लीड से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और निश्चित भी हम ये 25,000 से अधिक लोगों से भारतीय जनता पार्टी समक्ष कमल खिलाई जी प्रचंड कराएगी। ये तो मुस्कुराहट चाहिए। महाराज साहब बताइए, इस बार 5 विधानसभा में बीजेपी की जो है जीत हुई है यहाँ पर और एक बार फिर देवास में फिर से इतिहास रचा गया, क्या कहें? एक बार फिर से देवास जिले की पूरी जनता ने, देवास जिले के सभी मतदाताओं ने विकास को चुना है और विकास करने वाले जनप्रतिनिधियों को चुना है, विकास करने वाली पार्टी को चुना है और उनके मुख्यमंत्री को चुना है। तो मैं सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं अर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, पूरे देवास, पूरे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ऐसे रिजल्ट देखने को आए हैं जो कि मतलब सोचा नहीं था, क्या कहेंगे? बिल्कुल सोचा, हमको तो मालूम था इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत इस प्रकार से करी थी, तो हमें तो पहले दिन से मालूम था और बहुत अच्छा लगा कि माँ चामुंडा ने, माँ तुलजा भवानी ने हमारे मेहनत को साकार किया और उसको नतीजों के रूप में पूरे सब लोगों के सामने रखा। जनता को क्या संदेश देना? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चूँकि अभी अब आगे चल रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचना और भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति आम जनमानस का विश्वास, और इसी विश्वास के साथ आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नजर आ रही है। चौथे राउंड में जानकारी आई है कि आप 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये एक लोगों का प्रेम मेरे प्रति, उन्होंने मुझे इस मार्ग को प्रेरित किया और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है और रहेगा। और जी, चूँकि गुरु शिष्य मैदान में थे, अब कैसे देखते हैं आप 10,000 से आगे उनके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु की महत्ता अलग रहती है, शिष्य की महत्ता अलग रहती है और उनका मूल्यांकन पूर्ण रूप से समाज करता है। समाज की क्या अवधारणा रहती है, सुनने वाले की प्रति, वही सारी चीज़ें रहती है और विशेष रूप से किस संगठन के प्रति हम निष्ठावान से रहे हैं, कार्य किया है हमने, उनका अवलोकन का विषय है। आपको बहुत कम समय मिला था, सबसे अंतिम सूची में आपका नाम आया था, उसके बावजूद भी अभी इस तरह की जो लीड बढ़ी हुई है आपकी, पूर्ण रूप से पहले सामाजिक क्षेत्र में मेरा कार्य रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक सामाजिक क्षेत्र की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजनाओं को मैंने पूर्ण रूप से जब क्षेत्र में गया तो मैंने देखा है कि अंतिम छोर तक पहुंची है और उसी का परिणाम आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। क्या मुख्य काम रहेंगे आपके? पूर्ण रूप से जनहितैषी कल्याणकारी कार्य रहेंगे। भैया, कहीं ना कहीं ये जो आपका विधानसभा जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए कुछ सौगात लेके आएंगे आप? जरूर जरूर, सरकार बनने के बाद पूर्ण रूप से मैं सौगात के रूप में
के बीच रहूंगा और निरंतर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूंगा। भरोही जी के भी 10,000 से आगे चल रही है, राउंड शुरुआती राउंड चल रहे, कितने की लीड मानेंगे आप? ये तो जनता का साथ, जनता का विश्वास, और हम अंतिम छोर तक देखेंगे तो शाम तक और भी स्थिति क्लियर होती कि उनका आशीर्वाद किस रूप में और किस ऐतिहासिक रूप में मिल रहा है। मानते हैं पांचों में से विधानसभा आपकी काफी ऐतिहासिक रहेगी? सभी लोग अपने मेहनत के बल से लगे कि पांचों विधानसभा सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कार्यकर्ता में उत्साह देखा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे भैया? निश्चित रूप से पूर्ण विजय के और हम आगे बढ़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और देवास जिले में हम पांचों विधानसभा बहुत अच्छे तरीके से जीतने वाले हैं और पूरी ताकत के साथ हम लग के काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं ने काम किया उसके आधार पर बहुत ऐतिहासिक जीत देवास जिले की और कांग्रेस मुक्त जिला बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।